हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ SYBCOM सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंट के चैप्टर नंबर 1 की सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी, जहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गुजराती में कहेंगे करवादनो नफो, यानी करवेरा पहला के नफे के टोटल 5 स्टेप होते हैं। अगर वो 5 स्टेप वाला सवाल आप अच्छी तरीके से देख कर जाएंगे और अगर आपके एग्जाम में उसी टाइप का सम अगर 20 मार्क्स में आता है तो आपके 20 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। 99% चैप्टर नंबर 1 में से 20 मार्क्स का ही सम आने का चांस, और मे बी पॉसिबल अगर 10 मार्क्स का भी सम आता है तो आपको रेडी करके जाना चाहिए। बिकॉज अब यहां पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 और 19 में उसके और में 7 मार्क्स का सम एंड 7 मार्क्स की थ्योरी पूछी गई थी, तो बाई चांस अगर 7 मार्क्स का सम 10 मार्क्स में आएगा तो आपको वो भी आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों की 10 मार्क्स की तैयारी कराने वाला हूं, जहां पर मैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 एंड 19 के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूं एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंचना चाहिए जिससे मैं मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द हमारे 5 के कंप्लीट। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, राइट ना। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 की सेकंड मेथड आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आने की चांस है, राइट। बट 90% एंड 99% मुझे विश्वास है कि 20 मार्क्स का ही समय, अगर बाय चांस अगर 10 मार्क्स का समय तो आपको छोड़ना नहीं, उसे भी सीख कर जाना है, राइट। तो यहां पर मैं आपकी बुक का सम नंबर 6 सॉल्व कराने वाला हूं, और प्रैक्टिस के रूप में यहां पे जो सम नंबर 6 की वैल्यू दी गई ना, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ऑफ यहां पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई थी। तो मैं यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व कराने वाला हूँ, राइट। और आप चाहें तो होमवर्क में गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के सम को लगाएंगे, सेम इसी टाइप का समय, बल्कि इससे भी ईजी है, और इसे भी आप होमवर्क में लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एसेट दिया हुआ 6,30,000, दैट मीन्स मिल्कत की कीमत दी है 6,30,000, जवाबदारी यानी कि लाइबिलिटी दिया हुआ 1,53,000, एंड सरेरास वार्षिक नफो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ 72,000, फिर यहाँ पे दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मुड़ी दी है 1,80,000, फिर लिखा है मिल्कतों ने बाजार कीमत 10% वधारे करो, दैट मीन्स यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू है ना उसे आपको 10% मोर काउंट करना होगा, यानी 6,30,000 में आपको 10% प्लस करना होगा। फिर यहाँ पे लिखा है अपेक्षित वर्तनो दर 10%, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 10% रहने वाला है। और कौन सी मेथड हमें सॉल्व करना है, मूरी करण निरित, और इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट मेथड। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली सम सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिकली सम सॉल्व करने के लिए इस टाइप का कोई भी सम आता है, अगर कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड का सम आएगा उसे आपको सिंपल 4 स्टेप्स में कंप्लीट करना होगा। स्टेप नंबर 1 आपका रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, गुजराती में कहेंगे रोकायल मूरी, एंड स्टेप नंबर 2 रहेगा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुजराती में कहेंगे सरेरास नफो, एंड स्टेप नंबर 3 रहेगा आपका चैप्टर का फिर मेथड का नाम कैपिटलाइज प्रॉफिट, दैट मीन्स मूरीकृत नफो, एंड स्टेप नंबर 4 आपके चैप्टर का नाम रहने वाला गुडविल यानी कि पागड़ी। सिंपल आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने और इस टाइप का सम 10 मार्क्स में आने के चांस रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस टाइप के सम को किस तरीके से हमें जनरली सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैंने स्टेप नंबर 1 लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायल मूरी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद करना होगा, अगर याद नहीं होता है ना तो आप ये सम नंबर 6 लगा लेना, 2018 को मैं करा रहा हूं, एंड 2019 को भी आप प्रैक्टिस के रूप में कर लेना, तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या टोटल एसेट्स में से आपको टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू को लेस करना है, कुल मिलकत में से कुल देवा आपको लेस कर देना है। तो देख लेते हैं यहां पर हमारे पास मिलकत यानी कि एसेट कितना दिया हुआ, 6,30,000 दिया, पर इसके ऊपर एडजस्टमेंट में क्या था, 10% मोर काउंट करना है। तो 6,30,000 में 10% प्लस करेंगे ना तो यहां पर एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6,93,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है 6,93,000 कैसे आया। लेस क्या करना है, कुल देवा यानी कि टोटल लाइबिलिटीज को लेस करना है। तो हमारे पास जवाबदारी इनकी लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है, 1,53,000, 1,53,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 1,53,000, आपके पास कैलसी यूज कीजिएगा, 6,93,000 में से 1,53,000 लेस होगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5,40,000। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, राइट। अभी उसमें से आपको क्या लेस करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू को लेस कर देना है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर मूड़ी आपको माइनस करना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, ये सर फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। तो आप यहाँ पर राइट कर दीजिए 1,80,000, कैलसी यूज करेंगे तो 5,40,000 में से 1,80,000 लेस करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख
एंड 60,000 और ये कंप्लीट हो चुका है आपका स्टेप नंबर वन, जहां से हमें मिल चुका है नेट एसेट यानी कि चौकी मिलकर। या चलते हैं स्टेप नंबर टू के पास। स्टेप नंबर टू कौन सा? हमारा एवरेज प्रॉफिट, गुजराती में कहेंगे सरेराश नफो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट में से आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वैल्यू को लेस कर देना है। चेकआउट कर लेते हैं कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्या। यस सर, यहाँ पे थर्ड नंबर की डिटेल पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। सरेराश वार्षिक नफो कितना दिया हमारे पास? 72,000। तो आप यहाँ पर इजीली राइट कर लीजिए 72,000, राइट ना, जिसमें आपको लेस क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर मिलता है? ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर की मूड़ी की रकम कितनी थी हमारे पास? 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास था 1,80,000, जहां पर रेट कितने परसेंट है? 10%। यहां से हमें मिल जाएगा डिविडेंड। तो आप राइट कर लीजिए यहां पर 1,80,000 का आपको कितने परसेंट करना होगा? 10% करना होगा। 1,80,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 18,000। एंड 72,000 में से 18,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 54,000। और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्टेप नंबर टू। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू आपको समझ में आ चुका होगा। हमारी ये वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। और मेरा यूट्यूब पर आने से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, बिकॉज ऑफ एग्जाम से पहले आपकी क्या तैयारी थी और मेरे YouTube चैनल के साथ में कनेक्ट होने के बाद आपका एग्जाम के लेवल का कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है, उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर थ्री। तो स्टेप नंबर थ्री यहाँ पे आ चुका है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, गुजराती में कहेंगे मूड़ीकृत नफो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या याद करना होगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन 200, गुजराती में कहेंगे सरेराश नफो अपॉन में अपेक्षित वर्तन दर इन 200। क्या आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, सरेराश नफो है? यस सर, डेफिनेटली स्टेप नंबर टू जो है वही तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ चुका है सर? 54,000। तो सरेराश नफे की जगह पर आप राइट कर लीजिए 54,000 अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, अपेक्षित वर्तन का दर दिया हुआ है। यस सर, यहां पर दिया हुआ है लास्ट में कितने परसेंट दिया हुआ है? 10%। तो आप यहां पे राइट कर लीजिए 10 और इनटू 100 तो कॉमन रहेगा। तो जब आप 54,000 इनटू 100 डिवाइड 10 करेंगे तो यहां पर आपका इजीली आंसर आ जाएगा 5,40,000। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप नंबर थ्री तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आपके 10 में से 10 मार्क्स आने वाले अगर इस टाइप का कोई भी सम आ गया। तो चलते स्टेप नंबर फोर के पास। स्टेप नंबर फोर आपके चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? गुडविल यानी कि पागरी। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, किस तरीके सॉल्व करेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट में से आपको नेट एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर देना है, मूड़ीकृत नफों में से आपको चौकी मिलकत की वैल्यू को लेस करना है। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट दैट मीन्स मूड़ीकृत नफा कौन सा था? हमारा स्टेप नंबर थ्री था। कितना हमारे पास? 5,40,000। तो आप यहां पर इजीली राइट कर लीजिए 5,40,000, जिसमें से आपको क्या लेस करना है? नेट एसेट यानी कि चौकी मिलकर। तो नेट एसेट हमारा कौन सा स्टेप था सर? स्टेप नंबर वन था। तो स्टेप नंबर वन की वैल्यू आपने देखा था, नेट एसेट यानी कि चौकी मिलकर कितनी थी हमारे पास? 3,60,000। तो आप यहां पर राइट कर लीजिए 3,60,000। केएलसी तो आपके पास है, केएलसी यूज करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000 और ये आपका सम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको होमवर्क याद दिलाना चाहूंगा, 2019 के पेपर को आपको सॉल्व करना है एंड सम नंबर 6 भी आपको कंप्लीट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।